मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि इस्लाम दुनिया का सबसे आला और सच्चा मजहब है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से ज़्यादा रुतबे वाले हैं, इसी तरह दीन इस्लाम भी तमाम आसमानी मजाहिब से बरतर है। नाज़रीन, इस्लाम में रवादारी और एहतराम इंसानियत पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, क्योंकि इस्लाम किसी भी मज़हब को बुरी निगाह से नहीं देखता, बल्कि तमाम आसमानी मज़ाहिब की तस्दीक करता है। इसी हवाले से लंदन से एक मुस्लिम बहन की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और उनको दादो तहसीन से नवाजा जा रहा है। इस वाक़े की सारी तफसीलात आपको बताते हैं। ट्रेन का सफ़र जारी था और एक डब्बे में एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुस्लिम बहन करीब करीब ही मौजूद थे। अचानक ईसाई लड़के ने यहूदी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि ईसाई और यहूदी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद होते हैं। यह ईसाई लड़का अपनी किसी किताब से हवाले देकर उस यहूदी को और उसके मज़हब को गालियां देने लगा। यहूदी खामोश था, वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसका छोटा सा बेटा भी उसके साथ था। वो ईसाई बार बार गालियां दे रहा था, ट्रेन में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक शख्स ने कोशिश की, लेकिन ईसाई ने उसे भी गालियाँ देना शुरू कर दी। पास खड़ी मुस्लिम बहन ये तमाशा देख रही थी, उससे ना रहा गया, वो बोल पड़ी। उसने ईसाई लड़के को समझाया कि किसी भी दूसरे मज़हब को गाली देना ठीक नहीं। उस लड़की ने इस कदर महज़ब अंदाज में ईसाई लड़के को समझाया कि बात उसके दिल में उतर गई। मुस्लिम बहन ने दूसरे मज़ाहिब का एहतराम और एहतराम इंसानियत पर एक छोटा सा लेक्चर भी दे डाला। अब ईसाई लड़का अपने किए पर शर्मिंदा था। ट्रेन के उस डब्बे में मौजूद हर कोई उस मुस्लिम बहन को दाद देने लगा कि उसने एक बददिमाग शख्स को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है। इस सारे वाक़े की सामने खड़े हुए एक शख्स ने खामोशी से वीडियो बना ली। नाज़रीन, हदीस पाक में है कि ईमान के तीन दर्जे हैं। बुराई को अगर रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर ताकत ना हो तो ज़ुबान से रोको, अगर इसकी भी ताकत नहीं तो दिल से बुरा जानो। नाज़रीन, हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।